हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलाइजिंग प्लान्स। तो देखिए वर्ष, मैं आज आपको ईट किस तरह से किया सकता है कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मे भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा इस एक वीडियो से। वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। एंड ब्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है उसका कुछ छोटा सा सिंपल सा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। लेट्स सी, ये ईट है, ये मिट्टी से अभी इसको सुखाया जाता है। इसके अंदर मिक्स रहता फ्लाई ऐश रहता, जो सीमेंट कारखाने में जो मिलता ना फ्लाई ऐश वो रहता। फिर उसके बाद लाल मिट्टी और काला मिट्टी दोनों रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाल मिट्टी है और दूसरा जो है काला मिट्टी, और उसके अंदर जो सफ़ेद वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं ना, वो वाइट जो रहता फ्लाई ऐश, मतलब जो सीमेंट के फैक्ट्रीज में आए से रहते ना वो रहता है। तो ये सब इसको जो है करीब सुबह से लेके शाम तक बिकाया जाता है। फिर उसके बाद रोटर फिराते हैं, अच्छा इसको एकदम चिकट बनाते हैं। फिर चिकट बनाने के बाद साँचा मिलता है, साँचा मिलने उसके अंदर डाल के जो है उसको सुखाया जाता है। वो रेत पे डालते हैं क्या? हाँ, वो रेत में। हाँ, और उस टाइप पे रेत है जो ज़मीन को नहीं चिपटना बोल के रेत में डाला जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ छोटा एकदम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इसका कॉस्ट कितना रहता है? अभी ये तो प्लेस हमारा उदगीर है, तो यहाँ पर लोकल में सप्लाई करना है तो करीब आपको 5,000 से लेके 6,000 7,000 तक डिपेंड रहता है थोड़ा बहुत कुछ। और ये हैंडमेड ब्रिक्स है, मतलब साँचे में जो डाला जाता है, देखने में भी अच्छा है क्वालिटी इसका। एंड इसका कॉस्ट जो वैरी करता है 5,000 से लेके 6,000 रुपीज़ तक। ओके, बिदर सराउंडिंग प्लेस, दैट्स इट। नंबर ले लेता बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको इस तरह से भिगाया जाता है और सूखने देते हैं अंदर गैप छोड़ के। फिर इसको हीट किया जाता है लाइक फिर इसमें भी क्वालिटीज़ रहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ब्रेक्स, सबका अलग अलग रेट रहेगा।